हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त संजय स्वागत करता हूँ आप सभी का मलिहाबाद की धरती से। ओ मलिहाबाद, जो आमों के बारे में देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। महज 13 किलोमीटर के दायरे में फैले मलिहाबाद को मैंगो लैंड कहा जाता है। इस जगह को ये दर्जा यूं ही नहीं मिला। ये इलाका है आम की 700 किस्मों का। इसका इतिहास ये है कि यहाँ 11वीं सदी के राजा मलिहापासी थे। उनको आम बहुत पसंद थे। बचपन में उनके पिता राजा कंसपासी उनके लिए विदेशों से अलग अलग किस्मों के आम मंगवाते थे। फिर मलिहापासी ने बड़े होकर इस क्षेत्र को बसाया और इसका नाम अपने नाम से जोड़कर मलिहाबाद रखा। मलिहापासी ने विदेशों से आमों की कई किस्मों के पौधे मंगवाए और यहाँ लगाए। उस समय यहाँ पर 400 किस्मों के आम थे। उनमें से एक किस्म है दोस्तों दशहरी आम की, जिसकी मिठास देश विदेशों तक फैली, जिसके कारण इस अवध क्षेत्र के छोटे से टुकड़े मलिहाबाद को एक अपनी अलग पहचान मिली। आपके सामने ये दोस्तों जो आम दिख रहे हैं, ये हैं दशहरी आम, जिन्हें मार्केट में आने में अभी 30 से 40 दिनों का समय लगेगा, जिसकी दोस्तों अभी पैकिंग चल रही है। इस पेपर बैग से इसको कवर किया जा रहा है। 2-3 सालों से दोस्तों हमारे इस इलाके में आम को इस तरीके से कवर करने का ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में इस कवर किए हुए आम की डिमांड ज़्यादा है और किसानों को इस आम का रेट भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। यहाँ बिना कवर किए हुए आम का रेट 20 से 30 रुपए प्रति किलो यहाँ की लोकल मंडियों में रहता था, वहीं इस कवर किए हुए आम का रेट 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों इस कवर किए हुए आम की शाइनिंग एक अलग ही लेवल की होती है। आम एकदम दूधिया, बिना किसी रगड़ खरोंच वाला, सभी प्रकार की कीटों और प्रदूषण से मुक्त रहता है। ये बैग दोस्तों मुझे 2.25 रुपए का एक पीस पड़ा है। हमने अपने फार्म के लिए 20,000 बैग मंगाए हैं। वैसे दोस्तों सभी आमों को कवर कर पाना तो मुमकिन नहीं होता है, इसलिए हम 8 से 10 फुट की ऊंचाई तक के सभी बड़े साइज के सुपर आमों को ही कवर करेंगे, जिनका मार्केट में दाम अच्छा मिल सके। इसे कवर करने के लिए आम को इस बैग में कुछ इस प्रकार से बीच में करेंगे, ऊपर लगी हुई इस तार को घुमा देंगे। आप एक बैग में 1 से 2 आमों को पैक कर सकते हैं। वहीं अगर आम का साइज छोटा है तो आप चाहे तो 3 से 4 आम भी एक साथ पैक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 1 से 2 आम को कवर करना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारे फार्म के दशहरी आमों की पैकिंग, जिनका रिजल्ट भी हम आपको 1 महीने में दिखाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार से आमों से जुड़े हुए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया या आप इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें।